नहीं देखूंगी मैं ये पागलपन। राघव जी, संभाजी, इसके पहले कि ये लड़की हमारे धैर्य का बांध तोड़ दे, अभी के अभी इस लड़की को गांव से बाहर निकाल दो। हम देवसु के नियमों का उल्लंघन और होते हुए नहीं देख सकते। किस नियम और कानून की बात कर रही हैं आप? निर्दोष होने के बाद भी बाजी की हालत आपने जानवर से भी बदतर कर दी है। मर जाएगा वो, मर जाएगा बाजी। नहीं मरेगा बाजी, बाजी नहीं मरेगा। अगर तुमने एक शब्द आगे और भी कहा ना तो देखो लड़की, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप चलो यहां से। बाजी! अरे ये तो मेरा घाघरा है। या बाजी को 100 पड़े पड़े और तुम अपनी घाघरे की पड़ी है। इडियट औरत। गुरुजी, दंड शीघ्र ही पूरा करिए। जी सर जी। बाजी! इस समय वो हमारा भाई नहीं, देवसु का दोषी है। और दोषी को दंड मिलता, सहानुभूति नहीं। और तुम दोनों तो दोस्त हो, तुम दोनों को सब कुछ पता है, जाके बचाओ उसे। देखिए, बाजी ने जिस स्थिति में आपसे आपका वाहन लिया, वो बात आप भी भूल जाइए। बहुत कीड़ा सह रहा है मेरा दोस्त। पूरा आपका वाहन चलते बनिए। जीव जिद्दी लड़की है राघव जी ये तो। अरे हम तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं, जाओ जाओ अभी। तेरा ख्याल माई तेरी चूनरिया लहराई जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूं मां एक दिन चमकूंगा लेकिन मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। चाहिए आप चाहिए
राघु जी मुझे लगता है कि दंड समाप्त हो गया है, चलें। सेठ जी का आदेश है, इस लड़की को सीमा पार भेजना है और जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन बाजी, उसे हमारी आवश्यकता है। देखिए, जब तक आप नहीं जाएंगी हम भी उसकी मदद करने नहीं जा सकते। मैं विनती करता हूँ, चले जाइए, आप समझ सकती हैं ना। लड़की ठीक कहती थी, एक माहिरी ऐसी होती है। क्या एक माँ अपने बच्चों को ऐसा दर्द देती है? मेरे दिल में ममता नहीं है, मेरा दिल पत्थर का है, पत्थर का। मैं इस गद्दी पर बैठकर अपने बच्चों पर 100 कोड़े पड़वाती हूँ, लेकिन उनका दंड रुकवा नहीं सकती, क्योंकि मैं एक सेठ जी हूँ। सेठ जी, यही चाहते थे ना आप? यही चाहते थे आप? बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको मुझे इस हालत में देखकर, मुझे ऐसा मजबूर कर इसीलिए छोड़कर चले गए आप मुझे। इसीलिए आप छोड़कर चले गए देवसु को, इस गद्दी को मुझे, और शहर की चकाचौंध में गुम हो गए। विनायक राव, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, क्योंकि इस गद्दी पर बैठकर मैं अपने बच्चों पर 100 कोड़े पड़वा सकती हूं, लेकिन अपनी आंखों से एक आंसू बहा नहीं सकती। ये क्या मजबूरी है? मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको वापस आना होगा, वापस आके ये सब कुछ संभालना होगा। वापस आ जाइए विनायक राव, अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं एक माँ हूं। जब मेरे बच्चों का दिल दुखता है तो मुझे दर्द होता है, मेरे आंसू आते हैं। मुझसे नहीं होगा, वापस आ जाइए। आपकी अहिल्या आपको बुला रही है, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बाजी आराम से सीढ़ियां देखकर, देख के मेरे भाई। वासु, जाओ जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। पुत्रा, सेठ जी को सूचित कर दो कि हम बाजी को ले आए। वहां मत जाओ। दादा ठीक तो है ना भाभी? बाजी काका, बाजी काका, आपको किसने मारा? बता, अभी मैं उसको मार के आता हूँ। आपके लिए इस टोपी में भाकरी और साथ में सब्जी भी रख दी है, और वैद्य जी से औषधि भी ला के रख दी है मैंने। खा लेना, बुखार वापस नहीं चढ़ेगा। मैं अपना दंड
100 कोड़े तय करता हूँ। येसु में पैर रखते ही इतना बड़ा नर्क। जो कुछ भी हो रहा है सब इस लड़की की वजह से। हे देवा, भाजी की रक्षा करना। पूरी लाइफ में अपने आप को कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं किया जितना अभी फील कर रही हूँ। हेलो, मैंने बोला हेलो। हेलो। ओ हेलो के बच्चे, अभी बहुत दिमाग खराब है। हाँ, अगर गलती से भी छेड़ने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। लो, कर लो बात। अब छेड़ने के लिए लड़कियों की कमी है क्या मुझे, जो यहाँ बीच रोड पे अपनी बाइक लगाकर वेट करूंगा। वो तो बहादुरी के बहुत किस्से सुने मैंने आपके, तो आ गया आपके दर्शन करने। बहादुरी के किस्से? कैसे किस्से? ओ कौन तुम? मैं अम्बरीश। लेकिन लड़कियां प्यार से मुझे एमबी बुलाती हैं, लेकिन तुम मुझे अम्बरीश ही बुलाना। और जहां तक सवाल रहा बहादुरी का, जो काम किया है ना तुमने आज देवतु गांव की चट्टान को मुंह तोड़ जवाब देकर, मजा आ गया। दो बॉटल पी के मैं इतना नहीं नाचा जितना आज मैं खबर सुन के नाचा हूं। चल अपनी बाइक निकाल और जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं मैडम? ये खबर सुन के सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अमराड़ गांव के सेठ जी भी बहुत खुश हुए हैं। और उन्होंने भेजा है मेरे को यहाँ पर आपको इनवाइट करने के लिए। और उन्होंने इंसिस्ट भी बहुत किया है, मना मत कीजिएगा। बाजी, बाजी हल्दी वाला दूध पी ले। थोड़ी और पी ले। मुझे समझ में नहीं आ रहा राघो जी कि बाजी ने अपने सर पे उस लड़की का दंड क्यों ले लिया। क्या दादा, इस समय भी आपको ऐसे विचार आ रहे हैं? विचार नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। तू छोड़, मैं खुद देख लूंगा। दादा, कितना दर्द हुआ होगा ना बाजी दादा को। ये सब कुछ उस शहरी लड़की के कारण हुआ है। पता नहीं वो कहां से आ गई थी और सब कुछ नष्ट करके चली गई। तू चिंता मत कर गुड़िया, वो जो कोई भी थी ना गांव की सीमा से बहुत दूर जा चुकी है। अब देवसु गांव पर और तेरे प्यारे बाजी दादा पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ेगी। सच? सच। अब चल, बाजी दादा को सोने दे। बाबा, स्वागतम, सुस्वागतम। वेलकम। बैठिए, बैठिए। प्रगति जी, प्रगति जी, क्या खबर सुनाई?
दिल खुश कर दिया। सुना है वो देवसु की सेठ जी खून के आसुर हुई। उसके आंखों के सामने उसके बेटी की चमड़ी छिल गई और वो कुछ नहीं कर पाई। इन सबसे आपका क्या लेना देना? हमारा क्या लेना देना? भाई हमारा लेना देना नहीं होगा तो किसका होगा? हम है नागेश जाधव। सम्राट गांव के सेठ। आपने मेरी हवेली तक आते हुए देखा होगा। ये उसू गांव से कितने डेवलप्ड है हम लोग। एक सेठ का फर्ज होता है कि अपने गांव वालों को लेके तरक्की के रास्ते चले। तुमने देखा होगा वो देवसु गांव। वो देवसु के सेठ जी गांव वालों को मुट्ठी से बाहर तक निकलने की आजादी नहीं दी। दिल रो पड़ता है जब भी मैं गांव वालों के बारे में सोचता हूं। बहुत मजबूर, बहुत निर्बल फील करता हूं। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, सेठ जी से बदला लेने में मदद। बदला? मुझे कोई बदला वदला नहीं लेना है। मैं यहाँ पे सेठ जी को कोई सबक सिखाने नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको रुको, ये मेरा बेटा अम्बी तब अमरीश कह रहा था कि गांव से निकलते समय तुम्हारे आंखों में आंसू थे। क्या मेरा बाप है वो? उसे तो बताऊंगा ही ना। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे हंगर लगी है ना। लगेगी ना, रात के 10 बज रहे हैं। ये मेरी बीबी है, वाइफ, वाइफ, इस गांव की सेठानी। ब्यूटी प्राइज विनर। कितनी बार कहा है मिलाते वक्त ये भी टहला कीजिए। ये भी। देखिए मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे, खाना तो ईट के जाना ही पड़ेगा। चलो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, मुंह हाथ पोंछ लो। चलो कम। देखिए मैं आपको हालो। वरना मेरी माँ तुम्हें अपनी इंग्लिश हर्ड करा करा कर मर्डर कर देगी तुम्हारा। कम 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 कम, मैं कमरा दिखा। आओ। बाबा ये तो फुल चूरन निकली। देखा आपने क्या बोल रही थी कि बदला नहीं लेगी ऐसा वैसा। फुल टाइम वेस्ट हो गया। पता नहीं अम्बी, इस लड़की को देख के मन में कुछ उम्मीद सी जागी है। इस सेठ जी की कुर्सी को हम 16 साल तक नहीं हिला पाए। उस कुर्सी का अभिमान इस लड़की ने एक दिन में तहस नहस कर दिया। बाबा फिर तो देवसु गांव में एक ऐसा तूफान आएगा कि सेठ जी के घर के हर एक सदस्य पर बिजली गिरेगी। बिजली। ये भिन्न मौसम तूफान कहाँ से आ गए? देवसु में भी
और मेरे घर में भी।